फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पांच ऐसे बड़े टॉपिक्स के बारे में जो आज खबरें निकल के आई है और जो आपको जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे 1:10 बोनस इशू के बारे में। इन्फोसिस के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। टाटा मोटर्स के लिए भी एक बड़ी खबर निकल के आई है जो आपको जानना ज़रूरी है। MTR टेक्नोलॉजीज़ को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और AFL इंडिया में क्यों गिरावट आई, तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सा शेयर आपको बोनस देने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी बोनस देने जा रही है वो है GEE लिमिटेड। GEE लिमिटेड से आपको नाम से कंपनी मिल जाएगी। सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये कंपनी आपको एक बढ़िया, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बोनस देने जा रही है। और कंपनी की अगर पास हिस्ट्री की बात करूँ तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रिटर्न्स कमा के देखी गई है। एक बार स्टॉक का अगर हम रिटर्न्स के ऊपर देखते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, GEE लिमिटेड की अगर रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मोर देन 124% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 मंथ के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, बट स्टॉक में अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम और एक लंबे चार्ट देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के देखी गई है। जो शेयर आपको यहाँ पे सिर्फ ₹27 का मिलता था, उसने एक हाई बनाया है करीबन यहाँ पे ₹115.30 का। और यहाँ से स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि GEE लिमिटेड अब आपको फिर एक बोनस इशू करती हुई देखने को मिलने वाली है। और इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अनाउंस हो चुकी है। तो कितने में बोनस देगी, जैसे आपको मैंने कहा 1:10 का कंपनी बोनस देने जा रही है, ये बहुत क्रूशल है। सो फ्रेंड्स, कैसे बोनस मिलेगा? 1:10 का मतलब क्या है? अगर आप 10 शेयर यहाँ पे आपके पास है तो आपको एक शेयर उसके सामने मिलेगा। समझ जाइए, अगर आप इस कंपनी के 10 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड करते हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा उस पर। यानी टोटल आपके पास 11 शेयर्स हो जाएंगे और आपको एक बोनस शेयर यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिलेगा हर 10 शेयर जो आप यहाँ पे होल्ड करते हैं। बोनस की एक्स डेट दोस्तों जो रखी गई है यहाँ पे, वो रखी गई है 22 सितंबर, रिकॉर्ड डेट है। और यहाँ पे आपको 22 सितंबर को दोस्तों ये रिकॉर्ड डेट हो जाएगी जिसमें आपको शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से साफ साफ अनाउंस कर दिया गया है ये। तो अगर आपको शेयर खरीदना है तो याद रखिएगा 22 सितंबर से पहले आपके डीमैट के अंदर वो शेयर्स होनी चाहिए। BSE में देखिए सिर्फ आपको ये मिलेगा, ये शेयर NSE पे नहीं मिलेगा, पर इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। BSE में कंपनी लिस्टेड है GEE लिमिटेड, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 22 सितंबर रिकॉर्ड डेट है और यहाँ पे आपको 1:10 के बोनस में यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी अगर आप 10 शेयर यहाँ पे इस कंपनी के होल्ड करेंगे तो आपको एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे GEE लिमिटेड की, जो आपको बोनस देने जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर। दो बेहतरीन और बहुत बढ़िया खबरें निकल के आई है इन्फोसिस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ एक डील कर ली है, मल्टी ईयर डील है विथ ऑसग्रिड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है, ये प्रोग्राम दोस्तों चलता हुआ देखने को मिलेगा ऑसग्रिड विजन के तहत, जिसमें ये कनेक्ट करेंगे कम्युनिटीज़ को और उनको एम्पावर करेंगे। एक फोकस जो रहेगा वो अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। इन्फोसिस ने देखिए ये रेगुलेटरी फाइलिंग में साफ साफ कहा है आज। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट आपको साथ में आते हुए देखने को मिलेंगे। एक मल्टी ईयर डील है जिसमें स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट हुआ है ऑसग्रिड के तहत, ताकि एक्सेलरेट कर सके क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को। और यहाँ से लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट। जो ये ऑसग्रिड है वो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है। इस प्रोग्राम के तहत जैसे आपको मैंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसके ऊपर पूरा यहाँ पे फोकस रहेगा। और ये दोस्तों खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो सर्विस देती है ये कंपनी, वो 4 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस को देती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो यहाँ पे आपको देती हुई देखने को मिल रही है। और अब इसमें इन्फोसिस की भी पार्टनरशिप आपको होती हुई देखने को मिलेगी, तो ये सोने पर सुहागा हो चुका है। और इन्फोसिस के लिए ये बहुत बेहतरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसा आप जानते ही है अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
और उसके साथ पार्टनरशिप करना इन्फोसिस के लिए और आप शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया साइन है, और ये आपको देखने को मिलने वाला है कि इन्फोसिस यहाँ पे इसके साथ डील करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक खबर हो गई है, एक और बड़ी खबर निकल के आई है, और अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको वो जाननी चाहिए खबर। अब क्या खबर है, चलिए आपको ये बता देता हूँ। सो फ्रेंड, रिजल्ट का मौसम फिर से शुरू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और अब इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है। Q2 के जो तारीख दी गई है वो 12 और 13 ऑफ अक्टूबर दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि इन्फोसिस एक डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकता है, बड़े डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकता है, और यहाँ पे कंपनी आपको सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पे देती भी नज़र आने वाली है। और कंपनी ने कहा है कि बोर्ड कंसीडर कर सकता है एक इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द मीटिंग। अपने आप में बड़ी खबर है। देखिए, काफ़ी कम कंपनीज आपको इंटरिम डिविडेंड देती हुई नज़र आती है, इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो TCS ने दिया था Q1 में डिविडेंड, और कोई कंपनी नहीं थी IT में स्पेशली जिसने कोई डिविडेंड पेश किया था, सिर्फ TCS ने किया था। लेकिन अब वापस से जो खबर निकल के आ रही है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि इन्फोसिस भी इस बार आपको इंटरिम डिविडेंड दे सकती है Q2 में, और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया खबर है। क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड मिलना एक बढ़िया बात होती है, और इंटरिम डिविडेंड मिलना उस पर बहुत बढ़िया बात होती है। तो आपको इन्फोसिस इंटरिम डिविडेंड देता हुआ नज़र आएगा। 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपको सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हुए नज़र आने वाले। तो ये एक खबर निकल के आई थी इन्फोसिस पे। दो, अब बात करते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है। टाटा मोटर्स ने CNG ट्रिम में यहाँ पे ले आई है टाटा 407, जिसकी कीमत 12 लाख से शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर्स अब आपको CNG में बेचती हुई नज़र आने वाली है टाटा 407, जो इनकी एक व्हीकल है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स बेचती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये आपको ऑफर करेगा प्रॉफिट अप टू 35% ओवर द डीजल वेरिएंट, यानी आपको उससे कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। और ये एक बढ़िया खबर निकल के आई है। 12 लाख के आसपास की प्राइस है जो एक शोरूम प्राइस रखी गई है, और ये आपको देखिए होता हुआ देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से कंपनी बिजनेस अट्रैक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा उनको, जो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और टाटा 407 ये टाटा मोटर्स ने CNG में भी अब लाती हुई आपको नज़र आने वाली है, जो 12 लाख की कीमत में आपको बिकती हुई नज़र आएगी। एक और बड़ी खबर निकल के आई है, अब वो क्या खबर है पहले आपको वो जान लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपको देखने को मिला था कि टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा टाइगर EV लॉन्च की गई थी, और अब खबर निकल के आ रही है कि 100 से ज़्यादा बुकिंग्स उसकी होती हुई नज़र आ चुकी है सिर्फ मुंबई में। तो ये खबर भी बहुत क्रूशल है, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सब्सिडी मिलती है 2.3 लाख की महाराष्ट्र के अंदर, इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्जली कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, और पहले से ही देखिए यहाँ पे बुक करवाते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो एक और बढ़िया खबर है कंपनी के लिए। बिकॉज जैसे जैसे देखिए कार आएगी मार्केट में, वैसा वैसा बिकती भी नज़र आएगी, लेकिन उससे पहले ही देखिए अगर क्रेज़ रहेगा तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है, तो आपको वैसे ही सारी कार्स में एक बिकती भी नज़र आने वाली है। कार्स का देखिए प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में एक वापस से पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है टाटा मोटर्स के अंदर। और वैसे भी देखिए स्टॉक में अब आपको फिर से एक प्राइस एक्शन मूव देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बढ़िया कर सकता है ऐसा टाटा मोटर्स, डेफिनेटली आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी बन सकती है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स MTR टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, MTR टेक्नोलॉजीज़ जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी थी, उसने एक नया ऑर्डर यहाँ पे ले लिया है, जिस करीबन जिसकी कीमत $29.82 मिलियन लगाई जा रही है। ये बहुत बढ़िया खबर निकल के आई है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगातार इन कंपनीज़ को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिलते, तो ये बढ़िया करते हुए देखने को मिलते हैं। 220 करोड़ रुपए का कम से कम ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ब्लूम एनर्जी USA, और ये रिसीव किया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये दोस्तों, जो 220 करोड़ रुपए का मिला है ब्लूम एनर्जी USA में। और ये दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर एवर रिसीव बाय द हैदराबाद बेस्ड कंपनी। ये कंपनी का हाईएस्ट सबसे बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है, लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर मिला है आज तक जो कंपनी को, ये ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है जो करीबन 220 करोड़ का है। और ये ऑर्डर एक्सपोर्ट करेगा यूमा हॉट बॉक्सेस और एसोसिएट करेगा कंपोनेंट्स ब्लूम एनर्जी के साथ, जो आपको बिकते हुए देखने को मिलेंगे, जो एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आने वाली है MTR टेक। तो ये एक बड़ी खबर है स्टॉक के ऊपर, डेफिनेटली आपको नज़र रखनी चाहिए, बढ़िया कर सकता है यहाँ से। सो फ्रेंड्स, AFL इंडिया में आज गिरावट देखने को मिल गई। AFL इंडिया काफ़ी दिनों के बाद देखिए आपको कोई यहाँ पे डाउनफॉल दिखाता हुआ नज़र आया, लास्ट 5 डेज में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तेज़ी कर रहा था, लेकिन आज AFL इंडिया के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग
स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखिए शुरुआत से चालू हुई थी जो एंड तक चलती रही, स्टॉक में थोड़ा बहुत रिकवरी आई बट ऐसा कुछ खास आपको बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली। स्टॉक का हाई था आज 5,144 रुपये का, ओपन के बाद स्टॉक में तेजी आई बट उसके बाद 4,840 का लो बना। बट कोई दिक्कत मुझे देखिए यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलती नहीं है। लास्ट वन मंथ में मैसिव रिटर्न्स कमाए और अभी भी यहाँ से और रैली एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। तो ये जो आपको करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है ये रनिंग करेक्शन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, होल्ड करने लायक वाली पोजीशन पे है और यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करिए, वापस से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन के बाद तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल पे, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।